ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम की बात की है, सोडियम, पोटाशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो वो ये हमारे पास पहला जो पीरियड है उसका एलिमेंट है, इसका एक शेल होगा। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, इसके दो शेल होंगे। इसी तरह से हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट है ये तीसरे पीरियड का है, तो इसके कितने शेल्स होंगे जी? चार, 3 शेल होंगे, इसके 4 शेल होंगे, 5 शेल, 6 शेल और इसके 7 शेल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से पीरियड्स की मूवमेंट की बात करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शेल्स जो होते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं। पहले पीरियड में एक ही शेल होता है, दूसरे पीरियड में 2 शेल होते हैं, तीसरे पीरियड में 3 शेल होते हैं, चौथे पीरियड में 4 शेल होते हैं, पांचवें पीरियड में 5 शेल होते हैं, छठे पीरियड में 6 और सातवें पीरियड में 7, हमारे पास 7 शेल्स होते हैं 7वें पीरियड में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में 1 होता है, दूसरे ग्रुप में 2 होते हैं, तीसरे ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचवें ग्रुप में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आउटरमोस्ट शेल में, छठे ग्रुप में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वें ग्रुप जो कि हमारे पास हाइड्रोजन बोलते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 होते हैं और 8वें ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आउटरमोस्ट शेल में। इसी तरह से हमारे पास ये वैलेंस शेल के बारे में बता दिया। अगर हम लोग किसी एलिमेंट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मालूम करना चाहते हैं और उसके नंबर ऑफ शेल्स को मालूम करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद है, उस एलिमेंट को हम लोगों ने किसका नाम ले लिया? एक्स का नाम ले लिया। ठीक है, उस एलिमेंट को एक्स का नाम ले लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। इट्स मीन इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने 7 ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो एक्स एलिमेंट है हम देखेंगे कि कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। इट्स मीन जितने पीरियड से बिलोंग करेगा उतना इसके नंबर ऑफ शेल्स होंगे। नंबर ऑफ ग्रुप पीरियड नंबर 1 ये है, पीरियड नंबर 2 ये है, पीरियड नंबर 3। अगर पीरियड नंबर 3 के साथ आगे चलते जाते हैं तो हमारे पास एक्स एस एलिमेंट है, ठीक है, जो कि 3rd पीरियड में आता है। इट्स मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 3 होंगे। ये एलिमेंट है, इसका पहला शेल, ठीक है, इसका दूसरा शेल और इसका तीसरा शेल, और तीसरा शेल यानी कि आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल यानी कि इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस एलिमेंट के शेल्स कितने होंगे? वो 3 होंगे, क्योंकि ये 3rd पीरियड से बिलोंग रखता है। इस तरह से हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में भी। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग किसकी बात करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड यहाँ से यहाँ मूव करते जाओ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, इस तरह से पीरियड में हम लोग जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ग्रुप्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर ग्रुप्स में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रुप नंबर 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? सबके ऑटोमोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इन सबके ऑटोमोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इन सबके ऑटोमोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, इन सबके ऑटोमोशन में 4 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन टॉप से जब हम लोग बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो वो क्या, टॉप से बॉटम की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉप से बॉटम की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, रिमेन्स सेम, यानी रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड हमारे पास इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और बात हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वैलेंसी यहाँ तक हम लोग किसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी, अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की, वैलेंसी, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जब कोई एटम है, ठीक है, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इट्स मीन उस एलिमेंट ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया। अगर उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी को भी हम लोग किसका नाम देते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास है जी ग्रुप नंबर 1, इसी तरह से हमारे पास है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो 8 ग्रुप होते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसके बाद हमने बात की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने आपको बताया था कि पहला जो ग्रुप होगा तो उस सब उन पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब ग्रुप्स के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इन सबके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ग्रुप है तो उसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास थर्ड ग्रुप है तो उसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फोर्थ ग्रुप है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 ग्रुप है 5 इलेक्ट्रॉन, 6 ग्रुप है 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 ग्रुप है 7 इलेक्ट्रॉन और 8 ग्रुप है तो इट्स मीन 8 ग्रुप इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में पाया जाता है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्टेट रूल जो होता है इस 8 ग्रुप का कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, देखें जी अब हमारे पास पहला ग्रुप है, ठीक है, क्या है, पहला ग्रुप है। अब आप देख सकते हो कि पहला ग्रुप जो है इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 7 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाय से ले लेगा या फिर अपना 1 जो है उसको लूज कर देगा। आपको पता है कि 1 अपना इलेक्ट्रॉन 7 को ये बाय से, इसमें इतनी अट्रैक्शन की पावर नहीं है जो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले और अपने आउटर मोशन में ले गया है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इस वजह से ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोशन में होता है वो लूज कर देता है, ठीक है। इट्स मीन जब ये आउटर मोशन में से कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस एटम, जब कोई एटम आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकालता है, तो वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन सा आयन होता है, ये आयन होता है जी कैटायन, ठीक है। और कैटायन कौन सा आयन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग किसका नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसी तरह से हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके आउटर मोशन में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इस वजह से वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को बाय से लेने के बजाय अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज कर देगा बारी बारी। पहले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को, पहले उसको +1 चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, फिर क्या करेगा वो 2nd इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और अपने ऊपर +2 चार्ज या फिर पॉजिटिव 2 चार्ज क्रिएट कर देगा। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड ग्रुप के किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे उसके आउटर पोर्शन में आपको सबको पता है थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आउटर पोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? उसके आउटर पोर्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो वो बाहर से 5 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बजाय वो इन तीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपने ऊपर +3 चार्ज क्रिएट कर देता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप, तो फोर्थ ग्रुप जो होता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो +4 चार्ज भी आ जा सकता है और उसके ऊपर -4 भी आ सकता है। -4 अब क्यों आया? क्योंकि अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और ले भी सकता है और अपने चारों को डोनेट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और उस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को किसका नाम देते हैं हम लोग? एनाइन का नाम देते हैं, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो -4। इसी तरह से हमारे पास ऐसा ग्रुप जिसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, ऐसा एलिमेंट, तो वो क्या करेगा? 3 को बाहर से गेन कर लेगा या फिर अपने 5 को लूज कर लेगा। ऑफ कोर्स वो 3 को गेन कर सकता है, अपने 5 को लूज करने की उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह से वो 3 को गेन करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इट्स मीन ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो -3 चार्ज क्रिएट होता है। और इसी तरह से हमारे पास 6 ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसके आउटर पोर्शन में हम बात करते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर पोर्शन में कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। इस वजह से उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 7 ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो 7 ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर पोर्शन में 7 इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट यानी अपना आउटर पोर्शन में या फिर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए उसे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इलेक्ट्रॉन वो बाहर से गेन कर लेगा और अपने ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर लेगा? -1। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 8वां जो नोबल गैसेज है या फिर 0 ग्रुप एलिमेंट्स है, इसका शेल या फिर इसका आउटर शेल या फिर इसका वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से ये ना एलिमेंट्स को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन को ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। इट्स मीन इसकी वैलेंसी होती है जी 0। और यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी वैलेंसी +1, इनकी वैलेंसी +2, इट्स मीन थर्ड ग्रुप के होती है इसकी वैलेंसी +3, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी +4, 5 ग्रुप की वैलेंसी -3, 6 ग्रुप की वैलेंसी -2, 7 ग्रुप की वैलेंसी -1 और 8 ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है। फिर हम लोग इसका आप देखेंगे जी ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, ग्रुप्स में इसका ट्रेंड क्या रहता है और इसका ट्रेंड जो होता है किसका? वैलेंसी का। पीरियड्स में क्या रहता है? पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो राइट से राइट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो क्या एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? अब देखते हो वैलेंसी क्या हो रही है, +1 है, फिर +2 है, +3 है, +4 है। पहले वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, फिर क्या हो जाती है? -3, -2, -1, 0। फिर वैलेंसी पीरियड्स में डिक्रीज होती जाती है, वैलेंसी पीरियड्स में डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर उसके बाद डिक्रीज होती जाती है। इसके बाद अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप क्या होती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉप से बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है सबके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो सबके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो सबके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन उनकी वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। उनको उतनी ही वो तीनों इलेक्ट्रॉन को अगर थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो तीनों को लूज कर देंगे, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो दोनों को लूज कर देंगे, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी जो होती है टॉप टू बॉटम या फिर ग्रुप्स में क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है वैलेंसी किसकी, ग्रुप्स में एलिमेंट्स की। इसके बाद हम बात करते